पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। इस समय की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार से। आपको बता दें कि जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नवगठित जन स्वराज पार्टी के पहला अध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्ष मिल चुका है और मनोज भारती के रूप में मिला है। यह मनोज भारती मधुबनी के रहने वाले हैं, तो वहीं दिल्ली से IIT पास किए हैं और ये विदेश सेवा में, भारतीय विदेश सेवा में भी कार्यरत रहे हैं। आपको बताते चलें कि मनोज भारती ने चुनावी रणनीतिकार ने नेता बने प्रशांत किशोर की नवगठित जन स्वराज पार्टी का पहला कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती को बनाया गया है। भारतीय विदेश सेवा में रहे मनोज भारती IIT दिल्ली से पास आउट है। मनोज दलित समाज से आते हैं और बिहार के मधुबनी जिला में रहने वाले हैं। जन स्वराज पार्टी के कार्यवाहक चुनने पर प्रशांत किशोर ने अध्यक्ष चुनने के लिए 100 नामों की एक सूची मंगवाई थी। इसमें मनोज कुमार के नाम का चयन किया गया। मनोज इस पद पर अगले साल मार्च तक बने रहेंगे। मनोज के चयन का ऐलान करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि हमने कहा था कि दलित समाज का ही कोई व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा, जिनकी जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी दी जाएगी। हमारी सोच है कि हर समाज में काबिल आदमी हैं। पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव अगले साल मार्च तक होगा। भारतीय विदेश सेवा में लंबे समय तक कार्य करते रहे मनोज भारती IIT दिल्ली से पास आउट है। वह अनुसूचित समाज से आते हैं। विदेश सेवा के दौरान वह 4 देशों में भारत के राजदूत रहे हैं। वह यूक्रेन और बेलारूस जैसे देश के राजदूत भी रहे। प्रशांत किशोर ने बताया कि मनोज ने बिहार के जमुई जिले के एक सरकारी स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की है। शुरुआती पढ़ाई करने के बाद वो नवोदय विद्यालय पढ़ने चले गए, जहां से मनोज का चयन IIT कानपुर के लिए हो गया। उन्होंने यहां के इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। आगे की पढ़ाई के लिए वह IIT दिल्ली आ गए। फिर उनका चयन सिविल सेवा में हो गया और वे भारतीय विदेश सेवा के लिए चुन लिया गया। पार्टी के स्थापना दिवस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए, हम राज्य में शराबबंदी को खत्म करेंगे और ऐसा करके भी बिहार में बहार लाएंगे। प्रशांत किशोर ने 2 साल पहले, साल 2022 में ही जन स्वराज पार्टी के नाम का रजिस्ट्रेशन करा लिया था। आज पटना में वेटनरी कॉलेज में पार्टी का, जन स्वराज पार्टी का आज अधिवेशन का, वहाँ पे जबरदस्त तांता रहा, लोगों को तांता लगा रहा, काफ़ी भीड़ थी वहाँ और जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने जमकर सभी पार्टियों पर हमला किया और कहा कि इस तरह के जो मैंने अभी तक कार्यवाहक अध्यक्ष दिया है वैसे अध्यक्ष कोई भी पार्टी में नहीं है। मैंने पहले भी कह चुका था कि जो भी मैं अध्यक्ष चुनूंगा वो सभी के आँख फटे के फटे रह जाएंगे। अब इनके जो मैं कार्यवाहक अध्यक्ष दिया हूँ उसके तुलना में पूरे पार्टी जो चल रहे हैं अभी तक उनके तुलना में कोई भी अध्यक्ष नहीं है। इस तरह की बातें कहते नजर आए हैं प्रशांत किशोर। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।